वंदे मातरम। तो आज मैं यहाँ पे आपसे स्टार्ट करने वाला हूँ टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस के इंट्रोडक्शन आपसे कराऊंगा। और यहाँ पे एक नई सीरीज यहाँ पे स्टार्ट होगी जहाँ पे हम आपको बिगनर्स टू एडवांस लेवल लेकर जाएंगे, कैसे उसको चार्ट को एनालिसिस सारा कुछ किया जाता है, कैसे टीए वगैरह सारा कुछ ऐसे किया जाता है, सारा कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले स्टार्ट करने वाले हमें जो उसके बेसिक्स है उसको तो इंट्रोडक्शन आपसे करवा दूं। और इससे पहले यदि आपको नहीं मालूम तो हम बहुत कुछ चीजें पहले ही सिखा कर आए हैं, ब्लॉकचेन क्या होती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, बहुत कुछ दोस्तों डिटेल में हम आपको बी वारियर्स प्लेलिस्ट के अंतर्गत सिखा कर आए हैं। यदि आपने उसको ना देखा हो तो बहुत रोचो आपने मिस कर दिया है। तो उसमें सबसे पहले आप ट्रेडिंग की स्किल्स 23 आधा घंटा की पूरी सीरीज यहाँ पे मैंने बना रखी है, बी वारियर सीरीज जो कि बिगेस्ट सीरीज अब बनेगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यूट्यूब चैनल पे हमारे जाना है, प्लेलिस्ट के सेक्शन पे जाना है और वहाँ पे बी वारियर सीरीज के अंतर्गत आपको सारी वीडियो देखने को सीरियल से आपको मिल जाएंगे, उनको सबसे पहले देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे टी है यानी कि टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस की इंट्रोडक्शन आज मैं बेसिक से आपसे स्टार्ट करूंगा और उसको एडवांस लेवल पर लेकर जाऊंगा। तो चलिए यहाँ पे बिना बकवास किए इस वीडियो को स्टार्ट लेते हैं। उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और वीडियो को यदि लाइक अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि हमको मोटिवेट मिलता है और अधिक से अधिक जो लोग नए हैं इसमें क्रिप्टो मार्केट में उनको भी वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, इसका सीधा सा मतलब हम लेकर चलते हैं शेयर मार्केट में। ठीक है, शेयर मार्केट में क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियां आती हैं, आईपीओ में दर्ज होती हैं, सेबी जैसा कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उसमें सारी कुछ कंपनियां वहां पे दर्ज होती हैं। तो क्या होता है कि हमें कभी भी किसी कंपनी में निवेश करना होता है शेयर मार्केट में या निफ्टी में जिसमें भी आपको निवेश करना हो, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं उसके हम उसका पूरा बैलेंस शीट देखते हैं और सारा कुछ उसका डिटेल देखते हैं, क्या उसका फ्यूचर है, क्या उसका कितना उसका बैलेंस है, कितना उसका विजन है, क्या उसका पार्टनरशिप है, क्या उसका सारा कुछ मैनेजमेंट या सारा कुछ प्रोजेक्ट के बारे में हम उसका रिसर्च करते हैं। तो ये सारी रिसर्च क्या हुई, ये रिसर्च हम उसके कंपनी के बैलेंस शीट देख कर यानी कि वहाँ पे जाकर हम देखते हैं और उसको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन हमें जो है नेट पर भी देखने को मिल जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये सारा कुछ ये हम कर रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस उस कंपनी की। ठीक है, इसको हम इसका क्रिप्टो मार्केट में इस तरह से ले सकते हैं, किसी भी कॉइन या टोकन में हम जब इन्वेस्ट करते हैं उसका प्रोजेक्ट, उसका विजन, उसके डेवलपमेंट, उसके डेवलपर्स, ये सारा कुछ हम उसके बारे में रिसर्च करते हैं। तो ये हम सब क्या कर रहे हैं, ये हम उसके फंडामेंटल एनालिसिस को वहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम एक यहाँ पे ये खड़ी होती है कि जब भी हम किसी शेयर मार्केट में सेबी में कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो क्या होता है उसका हमें सारा कुछ इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं होता है। मान लीजिए जो बड़े बड़े आदमी है, अभी बड़े बड़े जो वाले बड़े वेल्स वो तो वहाँ पे देख लेते हैं उनके क्या उनके इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या बैलेंस शीट है, लेकिन कंपनियां ज्यादातर क्या होती है बहुत सारी जानकारी हमको शो नहीं करती है। ठीक है, तो बहुत सारी जानकारी हमको वहाँ पे नहीं मिलती है जिसके वजह से क्या होता है हम कभी कोई गलत मामले में वहाँ पे फंस जाते हैं और वहाँ पैसा वहाँ पे डूब जाता है। तो वहाँ पे बड़े बड़े जो आदमी उनको तो वहाँ पे बैलेंस शीट मिल जाती है लेकिन हम छोटे से लोगों को क्या वहाँ पे मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि हमें उसका विजन या सारा कुछ कैसे वो हमें कंपनियां क्यों बताएंगी, हम छोटे मोटे आदमी कौन हमको बताएगा। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो निकाल कर आया है वो आया है टेक्निकल एनालिसिस। ये जो फंडामेंटल एनालिसिस की जो प्रॉब्लम आ रही थी उसका ये सोल्यूशन यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे निकल कर आया है। लेकिन शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में जमीन आसमान का फर्क है, ये मैं कैसे आपको बता दूं, क्योंकि शेयर मार्केट है वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल इतनी नहीं है, लेकिन यदि बात करें क्रिप्टो मार्केट में तो वहाँ पे सेकेंडों में घंटों में यहाँ पे पूरी बाजी पलट जाती है। तो इसलिए यहाँ पे जो टेक्निकल एनालिसिस है वो शेयर मार्केट कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है। तो टेक्निकल एनालिसिस के जरिए हम क्या करते हैं कि उनके इंट्यूशन के बेस पर वहाँ पे किसी भी कॉइन या टोकन में निवेश नहीं करते हैं और जब बल्कि हम उनकी टेक्निकल एनालिसिस करके करते हैं, यानी कि जैसे कि हमें किसी कॉइन में वहाँ पे, लेकिन ये टेक्निकल एनालिसिस जो क्रिप्टो मार्केट में है वो घंटों के हिसाब से वहाँ पे आप कर सकते हैं, जैसे 4 घंटे के हिसाब से, 1 घंटे के हिसाब से, 1 डे के हिसाब से, लॉन्ग विजन में नहीं कर सकते क्योंकि ये मार्केट जो है बहुत ही वोलेटाइल है, यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस आपकी ज्यादा काम ही नहीं आएंगी क्रिप्टो मार्केट में। तो यहाँ पे वही लोग करते हैं जो वहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, जिनको शॉर्ट लॉन्ग ये सारा कुछ करना पड़ता है। शॉर्ट लॉन्ग क्या होता है मैं कल आने वाली वीडियो बताऊंगा सारे कुछ जितने भी वर्ड होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के जरिए बहुत सारा अच्छा खासा, जैसे वहाँ पे प्रेडिक्ट कर देते हैं टेक्निकल एनालिसिस टीए के जरिए, ये प्रेडिक्ट कर देते हैं, मैं बार बार अब टीए कहूंगा, टीए के जरिए वो प्रेडिक्ट कर देते हैं कि यहाँ पे उसका एक अंदाजा लग जाता है। अभी तक हम क्या करते थे इंट्यूशन के बेस पर हम उसमें कॉइन को जज कर लेते थे, टोकन को जज कर लेते थे, उसमें पैसा फंसा देते थे, लेकिन हमें उसका कोई ठोस आधार नहीं मालूम होता। लेकिन ये टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसके जरिए आप वहाँ पे इंट्यूशन तो आपके काम करेंगे, साथ में उसमें आपको जो मैथमेटिकल टूल है यानी कि जो इंडिकेटर वगैरह जो कि है एआई टेक्नोलॉजी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर जो करते हैं बुद्धिमत्ता के आधार पर वहाँ पे जो काम करते हैं टूल्स उनके आधार पर वहाँ पे बेस करते हैं अपनी जो इंट्यूशन को है और ज्यादा वहाँ पे प्रोबेबिलिटी देते हैं कि आप पे इस कॉइन का या टोकन का
कहाँ पे उसका रेट जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है, सारा कुछ इंडिकेटर जो कि लोगों की सोच के मैथमेटिकल टूल में कन्वर्ट करके एआई के जरिए वहाँ पे प्रयोग की जाते हैं। ठीक है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यदि कुल मिलाकर देखी जाए तो ये एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना कुछ भी नहीं है। तो इसी इंडिकेटर का हम उपयोग करते हैं सारा कुछ करके टेक्निकल एनालिसिस के लिए। आपके इंट्यूशन तो काम आते हैं लेकिन उसको और ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग टीए यूज करते हैं ताकि हमें वहाँ पे और ज्यादा वहाँ पे प्रूफ हो जाए। तरह तरह के एंगल से हम देखते हैं, एक तरह से इंडिकेटर लगा कर देखते हैं। यदि सारे इंडिकेटर एक ही डायरेक्शन में प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो समझ जाइए यहाँ पे हमारे प्रेडिक्शन जो है वो 100% पे करेक्ट है। और 100% तो कुछ भी नहीं होता है लेकिन वहाँ पे हम बहुत कुछ वहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पे गड़बड़ कुछ नहीं होगा। लेकिन ये हम ज्यादा लॉन्ग टर्म में क्रिप्टो में नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है। इसलिए वहाँ पे क्या होता है कि कुछ घंटों के हिसाब से वहाँ पे हम ट्रेडिंग करते हैं। जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनका टीए में यहाँ पर बहुत ज्यादा कनेक्शन रहता है और इंट्राडे ट्रेडिंग में जो लोग करते हैं उनको अच्छी खासी चार्ट की नॉलेज होनी चाहिए। चार्ट की नॉलेज से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी प्रकार की हमें उसके बेसिक जानने की फंडामेंटल जानने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपल सा टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग वही लोग करते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग, जो पर डे का कुछ इनकम वहाँ पे जनरेट करना चाहते हैं। बाकी जो लॉन्ग टर्म के विजन के रूप में आते हैं उनको वहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस ही करनी चाहिए। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि रोड डेली अर्न करेंगे तो इसके लिए हमें टीए यानी कि टेक्निकल एनालिसिस ही आनी चाहिए। उनका कोई फंडामेंटल से जुड़ाव नहीं होता, उनका सब एक ही मतलब होता है कि पैसा 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 कमाना। ठीक है, तो टीए के जरिए आप सारा कुछ कर सकते हैं लेकिन घंटों के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि वो क्रिप्टो मार्केट है, इसका एनालिसिस सारा धरा जाता है, इसलिए स्टॉप लॉस हमेशा इसमें यूज किया जाता है। और टीए के जरिए हम यहाँ पे सब बहुत कुछ यहाँ पे कर सकते हैं, उसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं और वहाँ पे एक अच्छा खासा इनकम पर डे के बेसिस पे इंट्राडे ट्रेडिंग के जरिए वहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ टीए और एफए की यहाँ पे बेसिक्स थी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई। और आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा। कल मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो क्रिप्टो मार्केट बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो न्यूज़ में आपको देखने को मिलते हैं, बहुत कुछ आपको सिखाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, इसी प्रकार की सीरीज पूरी आने वाली है। तो जल्दी मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।